हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग समीकरणों को हल करना सीखेंगे। इस प्रकार के समीकरण क्लास 10 में 6 नंबर के आते थे, लेकिन जब से आपका ये सिलेबस चेंज हुआ है, मतलब सिलेबस का पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, तब से जो क्वेश्चन जो आते हैं वो 8 नंबर के आएंगे, ठीक है। क्योंकि 20 नंबर के लिए आपको OMR सीट दी जाएगी और 50 नंबर का आपका एक पेपर होगा, ठीक है। 20 नंबर के लिए तो आपको ऑब्जेक्टिव भरने होंगे, क्लियर। तो ये सवाल जो आपके सामने लिखा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इस वीडियो में हम लोग इस सवाल को सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा, पहले सवाल को हम लोग नोट कर लेते हैं, समझना। आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 5/(x-1) प्लस, और कितना था, 1/(y-2), 1/(y-2) बराबर 2। अगला है 6/(x-1), 6/(x-1) माइनस 3/(y-2), माइनस 3/(y-2) बराबर 1, बराबर 1 लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पर आपके सामने दो समीकरण लिखे हुए हैं। इन समीकरण को हल करके आपको एक्स वाई के मान निकालना है। देखो कैसे हल करोगे, समझते हैं ना। यहाँ पर एक एक स्टेप, ये दो समीकरण तो आपको दे देगा, इसके बाद का कहानी समझो। 5, इसको लिख सकते हैं 5×(1/(x-1), इतना लिख सकते हैं, बताओ। क्योंकि अगर 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5×5 रहेगा और बटे में x-1 इतना रहेगा। प्लस लिखा हुआ है आपका 1/(y-2), ऐसा ही लिखा है ना, तो बराबर 2, ये समीकरण लिख दीजिएगा 1। अगला लिखा हुआ है 6×(1/(x-1), लिख दो इसको, क्लियर। -3 × इसको लिख दो 1/(y-2) बराबर 1, ये आपका समीकरण हो जाएगा दूसरा, क्लियर हुई बात। ऐसा लिख सकते हैं, आगे देखिएगा आप लोग। अब देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 1/(x-1), यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर 1/(y-2), यहाँ पर भी। हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे कि माना 1/(x-1) बराबर a, हमने ये मान लिया, तथा 1/(y-2) बराबर b। समीकरण 1 व 2 में रखने पर, हमने ये मान, समीकरण 1 व 2 में रखेंगे तो आपका समीकरण क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5, ये मान रखेंगे a का यहाँ पर, तो 5a हो जाएगा प्लस b बराबर 2, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा आपका। अगला हो जाएगा 6, ये इसका जगह पे a, -3, और इसका मान क्या रखा हमने, b, क्योंकि b माना है, तो बराबर हो जाएगा आपका 1। यहाँ पर आपके सामने समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 लिख गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे 5a है, यहाँ पे 6a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे 3b। देखिए, आप लोगों ने समीकरण को हल करने की विधियाँ सीखी होंगी, 3 विधियाँ होती हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि। ये आपके हाई स्कूल में 3 विधियाँ दी गई हैं, ठीक है। तो किसी भी एक विधि से आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। देखिए, विलोपन विधि में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर किसी एक का गुणांक बराबर करना होता है। जैसे ए के आगे गिनती कितनी लिखी, 5, यहाँ पे 6, तो या तो ये गिनती बराबर कर लो, या बी के आगे कितना लिखा है, यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे 1 होता है, 1, और बी के आगे इधर 3, या तो ये बी के आगे गिनती बराबर कर लो। किसी एक संख्या को बराबर करना होता है विलोपन में, बस पहला काम ये होता है। तो यहाँ पे देखो, बी को आसान करना, सर बी को मतलब बराबर करना आसान है, कैसे, बी के आगे लिखा हुआ है 3, यहाँ बी के आगे लिखा हुआ है 1। अगर हम तीसरे समीकरण में 3 से गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा, तो इसमें चलिए 3 से गुणा करते हैं। लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, चलिए गुणा कर दीजिएगा, 3 का 5 में 15a, 3×1 3b, 3×2 6, इसे हो जाएगा आपका 6a-3b बराबर 1। आपके सामने दो समीकरण यहाँ पे लिख गए हैं और इन समीकरणों को हल करना है। कैसे हल करोगे, देखो यहाँ पे प्लस का 3 भी, यहाँ पे माइनस का 3 भी,
जब संख्या, देखिए जब एक संख्या प्लस की एक माइनस की हो तो जोड़ने पे समाप्त हो जाएगी, किसके जोड़ने पर, और जब समान चिन्ह हो तो घटाने पर, ध्यान रखना जब चिन्ह समान हो तो घटाने पर, विपरीत हो तो जोड़ने पर। ये खत्म। 15 6 बचा आपका 21, ये हो गया 6 1 7, ठीक है 21 ए बराबर आपका हो जाएगा 7। अब देखो इधर सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है यहाँ पे देखो थोड़ा सा, ये आ गया आपका है कि 21 ए बराबर 7, ए का मान यहाँ से निकालो कितना जाएगा 7/21, 7 1 7, 7 3 21, ए का मान आपका आ जाएगा 1/3, यहाँ से ए का मान तो 1/3 आ गया। अब हमें बी का मान निकालना है, पहले बी का मान निकालेंगे, तो समीकरण 4 से आगे देखो अब हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या था उसको लिख लो, समीकरण 4 था 6a-3b=1, 6a-3b=1, ठीक है लिखेंगे, चूंकि a बराबर कितना आया हमारा 1/3, तो यहाँ पर रख लो मान, तो 6 × a का मान 1/3 -3b=1, 3 2 6, 2 1 2, -3b=1, -3 भी यही रोकेंगे बराबर 1, और 2 चला जाएगा इधर तो हो जाएगा -2, -3b=, -1, माइनस से माइनस कैंसिल, b=1/3, b का मान कितना आ गया आपका 1/3 आ गया आपका b का मान। अभी हम लोगों ने a का मान निकाला था यहाँ पर, तो a का मान आया था हमारा 1/3, b का मान निकाला, b का मान 1/3 आ गया। अब बात समझने वाली है आगे, इसको समझो थोड़ा सा, यहाँ तक क्लियर हो गई बात, अब आगे देखिए लगाते हैं सवाल को। देखिए सवाल में आपसे कहा गया था एक्स वाई का मान, सवाल में ए बी की कहीं पे जिक्र नहीं की गई थी, तो हमें ए बी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर ए बी को कहीं दिया गया था, नहीं दिया गया था ना, देखो सवाल में आपको ना तो ए दिया गया ना बी, सिर्फ एक्स वाई दिया गया था, तो सिर्फ आपको एक्स वाई का ही वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग आगे क्या करेंगे, अब हम लोग देखिए हमने माना था यहाँ पर, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, इसको देखो ये लिखा हुआ है कि 1/x-1 = a और 1/y-2 = b, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर आके कि 1/x-1 = a, तो यहाँ लिखेंगे 1/x-1, x माइनस एक ही तो था, x माइनस एक था सही है, बराबर a का मान कितना हमारा आया 1/3 आया था, a का मान ये देखो 1/3 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके ये मान रख लेंगे हम लोग 1/3। इसको सॉल्व कर दो जरा, तिरछा गुणा कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा x-1 = 3, x = 3, माइनस का इधर आएगा आपका प्लस हो जाएगा दूसरी साइड में आकर, x का मान आपका जाएगा 4, ये x का मान 4 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे, 1/y-2 = b, ये तो था देखो एक बार देख लो, 1/y-2 = b ये था, तो यहाँ मान रखेंगे 1/y-2 = b का मान 1/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो यहाँ पर, y-2 = 3, y = 3, माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, y = कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हम लोगों ने x और y के मान फाइंड कर लिए हैं, हमसे ये पूछा गया था कि ये हल कीजिए, हल करने का मतलब है कि आपको x और y का मान निकालना है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि अतः x = 4, y = 5, ये जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अगर आपका भी कोई सवाल है आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे पास भेज सकते हैं।